आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपा चौहान और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका नावल द डायरी ऑफ यंग गर्ल लेके आया हूँ। और दिस नावल हैज़ बीन रिटन बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और देहांत 1945 कॉन्सेंट्रेशन कैंप जर्मनी में ही इनका देहांत हुआ था। और दिस वीडियो लेक्चर 11 वेनसडे सितंबर 2 1942। ये जो डायरी एंट्री है सितंबर 2 और 1942 की, ये कंटिन्यू है और फ्राइडे सितंबर 25 तक लगभग ये चलेंगी। तो लेट्स रिकॉल द लेक्चर 10, 10वां लेक्चर जहां हमने समाप्त किया था, वहां चलते हैं। द बुक ले ऑन द फ्लोर, इट वॉज द टाइम फॉर डिनर फॉर ऑल, बट पीटर वेंट अपस्टेयर, नो वन gave a thought to him, he was to pass night without eating. जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले लेक्चर में आपने देखा पीटर और उसके फादर मिस्टर वॉन्डॉन में एकदम एक गरमाइश वाला सीन हो गया, जिसमें लड़ाई हुई उनकी। और फाइट वैसी नहीं थी, बट जैसे एक फादर और एक पिता और बेटे में होती है। किताब को लेके था, जो पुस्तक फर्श पे पड़ी थी वो अडल्ट्स के लिए थी, और पीटर अभी अडल्ट नहीं था, वो उसे पढ़ रहा था। तो फादर को गुस्सा आ गया, कहा सुनी होगी, और पीटर रूट के ऊपर चला जाता है। और ये खाना खा रहे थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पीटर का कसूर पता था सभी को, और अब उसकी सजा ये थी उसे बिना खाए रात गुजारनी थी। राइट, दे वर ऑल बिजी ईटिंग एंड चैटिंग। अब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं। व्हेन सडनली दे हर्ड अ पियर्सिंग व्हिसल एंड देन दे स्टॉप्ड ईटिंग। अचानक एक तीखी सी व्हिसल की आवाज़ सुनाई देती है, चिमनी में से आती है। वो चिमनी छत पे जा रही थी, जो दीवार में से होती है, नीचे फायर प्लेस होता है जिसमें सेकने के लिए कोयला वगैरह जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, धुआं ऊपर जाता है। तो उसमें से होती हुई आवाज़ आई और एकदम सबके चम्मच फोक वगैरह थम गए, सन्नाटा हो गया। खाना खा रहे थे वो रुक गए एकदम, देयर फेसेस वर पेल, उनके चेहरे पीले पड़ गए, वो सोचने लगे हुआ क्या है। एंड दे आल्सो हर्ड अ वॉइस थ्रू द चिमनी। फिर थोड़ी देर बाद एकदम कह लो आप चिमनी में से एक आवाज़ आई, आई वॉन्ट कम डाउन, भारी सी आवाज़ बना के गई, मैं नीचे नहीं आऊँगा। ये सुनते हुए मिस्टर वॉन्डॉन वॉज फ्यूरियस, उसके पिता जो फादर थे एकदम आग बबूला हो गए, उबर पड़े गुस्से में। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, आई वॉन्ट कम डाउन, उसकी एक बेशर्मी कह लो पीटर की, ज़रा सा भी उसे खौफ नहीं था, ज़रा सा भी उसके अंदर ये शर्म नहीं थी कि उसके फादर ने उसे डांटा है, थोड़ा बहुत तो करे वो। तो गुस्सा आया उन्हें, ही जंप्ड अप एंड शाउटेड, एकदम औरों के सामने थोड़ा कोशिश हो गई वो, दूसरे जैसे ये एन की के फादर हैं, मदर हैं, फ्रैंक फैमिली भी वहीं हैं, इकट्ठा रह रहे हैं हाइडिंग प्लेस में, तो उनके सामने थोड़ा और कोशिश हो गए होंगे, इसलिए इंसल्टेड महसूस किया। एकदम खड़े हो गए और बोलने लगे, आई हैव हैड इनफ, बहुत हो गया। एन्स फादर वॉज अफ्रेड ऑफ व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। एन के फादर थोड़ा डरे हुए कि ऐसा ना हो कि लड़के को अधिक पीट दे, पिटाई कर दे उसकी, ज़्यादा अधिक ना कर दे कुछ। तो उसके फादर ने उसके कलाई को ग्रैब किया, जकड़ा, अपने हाथ में लिया, ग्रिप में, और साथ साथ गए सीढ़ियों से होते वॉन्डॉन के साथ ऊपर छत पे गए। There was much struggling and kicking and then Peter was in his room. उसके बाद जो हुआ आप जानते ही है, फादर ने अपने बेटे को क्या कहा होगा, क्या किया होगा, आप जानते हैं, kicking हुई और struggling हुई, और फिर वो रूट पीटर नीचे आ जाता, आंखें मलता हुआ आता है और अपने कमरे को दरवाज़ा बंद कर लेता है। And the rest of them went on eating, और बाकी जो थे लोग वो खाना खाते रहे। और मिसेस वॉन्डॉन विश टू सेव सम ब्रेड फॉर हर डार्लिंग सन। मिस माँ है, माँ को, माँ का दिल पसीज गया अपने बेटे के लिए, थोड़ा खाना उसके लिए बचाती है वो। और परंतु उसके पति ने उसे मना कर दिया, बट हर हस्बैंड डिडंट अलाउ हर टू डू दैट, कहा बिल्कुल नहीं देना उसको खाना।
बदतमीजी करता है और उसे फिर आप लाड़ दिखा रहे हो इस तरह डाटा और पीटर डिड अपोलोजाइज। और पीटर ने भी बेशर्मी दिखाई पूरी, बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी अपने फादर से, सॉरी नहीं कहा, एंड वेंट अप टू द लॉफ्ट और ऊपर जहाँ पर्चत थी, जहाँ वो पढ़ रहा था एटिक में, वहाँ चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर वॉन डॉन नोटेड दैट पीटर हैड स्लेप्ट इन हिज बेड एंड हैड गोन टू द एटिक अगेन। पीटर के फादर भी चालाक थे, उन्होंने बिस्तर को जांचा परखा होगा और पाया कि वो रात को वहीं सोया था, हो सकता है उसकी माँ ने उसकी मदद की हो। बट ही केम डाउन स्टेयर व्हेन एन्स फादर स्पोक सम फ्लाइट वर्ड्स टू हिम, परंतु एन के फादर ने जाके उसे बातें करी, उसे मनाया, प्यार से बातें करी और नीचे ले आए, नीचे आ गया। It took 3 days to make the things normal in the house. घर में ये जो वातावरण बिगड़ा, इसे 3 दिन लगे नॉर्मल होने में, सामान्य होने में। मंडे सितंबर 21, 1942 की बात है, ये जो एंट्री है। We come to know through this entry that a lamp has been fixed above Anne's bed with a purpose. इस एंट्री में मेन मेन बातें हम ले रहे हैं, तो एक एंट्री ये बात बता रही थी कि एन के जो जहाँ बिस्तर था ऊपर एक लैंप लगा दिया गया, जैसे बल्ब लगा देते हैं उसका स्विच, जैसे वो सॉकेट वगैरह वो लगा दी। इफ शी हियर्स द गन्स गोइंग ऑफ शी विल स्विच ऑन द लाइट, इस वजह से लगाया कि अगर बाहर कुछ गड़बड़ हो, गोलियां चलती हुई सुनाई दे तो लाइट जगाए। सिग्नल था वो एक किस्म से सबको कि अब बाहर गड़बड़ हो रही है। अ हैंडी वुड स्टैंड फूड सेफ विद रियल स्क्रीन्स हैज बीन बिल्ट एंड प्लेस्ड इन पिक्चर्स रूम। और दूसरी बात क्या थी कि एक फूड सेफ बनाई गई थी और पीटर के कमरे में रख दी, अलमीरा टाइप थी जिसमें भोजन को रखा जा सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं आजकल तो। और बाद में पीटर के कमरे से भी वो शिफ्ट करके एटिक में पहुँचा दी थी, शायद जगह घेरती हो गया था। मिस वॉन डॉन इज ऑलमोस्ट अनबेरेबल फॉर एन, और आगे जो लिखती है बताती है कि वॉन डॉन के साथ संबंध काफ़ी खटास में थे और मिसिज वॉन डॉन एन के लिए असहनीय होगी, सहन करने की शक्ति उसकी ख़त्म होगी एक किस्म से। One reason is that Anne is being scolded by her. एक तो कारण ये था, एन को बार बार वो झिड़कती है, उसे टोकती है, कहती है चटर बॉक्स हो तुम, बातों नहीं हो। Another reason is that she avoids washing the pots and pans. जो बर्तन होते हैं खाना खाने के पश्चात वो किचन में, उनको साफ नहीं करती, अवॉइड करती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। अगर कभी कभार उसे करने भी पड़े तो क्या करती है, some bits of food are left in the pans. She does not transfer them to another container. अगर करना भी पड़े उसे बर्तनों को साफ, कभी कर रही है तो जो भोजन होता है बिट्स होते हैं बचे हुए, बचा कुचा भोजन जो प्लेटों में होता है उसको वहीं सिंक में छोड़ देती है, ये नहीं कि उठा के किसी और बर्तन में, कंटेनर जो लगा रखा जैसे ग्लास डिश का नाम दिया इसमें डाल दे। नॉट ओनली दिस, ना केवल यही बात थी उसकी, व्हेन इन द आफ्टरनून मार्गोट क्लीनिंग, और कई बार जैसे मार्गोट की बारी है, मार्गोट बर्तनों को साफ कर रही है तो उसको भड़काती है और उसे कहती है, ओ पुअर मार्गोट, यू सो मच वर्क टू डू, यू हैव सो मच वर्क टू डू, कितना काम है तुम्हारे पास। इशारा एन की तरफ होता है एक किस्म से इनडायरेक्ट वे में कि वो तो करती नहीं है, तो ज़्यादा काम करती है। मिस्टर क्लीमन ब्रिंग्स अ कपल ऑफ बुक्स दैट आर रिटन फॉर द गर्ल्स ऑफ एन्स एज, और मिस्टर क्लीमन एन के लिए कुछ पुस्तकें लाते हैं जो खासकर इसकी उम्र की लड़कियों के लिए ही थी। शी हैज रेड जेनियस समर 4 times, जेनियस समर उसने 4 बार ये मैगजीन पढ़ी। एन इज ऑल्सो बिजी प्रिपेयरिंग ए फैमिली ट्री विद हर फादर हु इज एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच पर्सन वाइल डूइंग दिस जॉब। एन अपने फादर के पास बैठ के फैमिली ट्री बना रही है। फैमिली ट्री आप जानते ही होंगे, जहाँ से आपके पूर्वज चले, मान लो एक दादाजी थे आपके, उनके 3 बेटे हुए या 1 बेटा 2 बेटियाँ हुई, उनके परिवार को आगे दिखाना, फिर आगे ये जो शाखाएं हैं ब्रांचेज परिवार में इस तरह फैलती जाती थी। और उसके फादर
परिवार वालों के बारे में बता रहे थे, साथ साथ बना भी रहे थे ट्री डायग्राम को, और साथ साथ बता भी रहे थे कि ये दादाजी बहुत अच्छे थे तुम्हारे इस तरह बातें करके। शी इज ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क कंप्लीटिंग हर होमवर्क एंड क्रैमिंग 5 इररेगुलर वर्ड्स ऑफ फ्रेंच डेली। अब क्या करती है, होमवर्क पड़ा है पेंडिंग, उसको शुरू कर देती है करना, काफी मेहनत कर रही है और 5 वर्ड तो फ्रेंच लैंग्वेज के क्रैम करती है, रटती है। ये इररेगुलर वर्ड्स को, जो इररेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको रटती है। वर्ब रेगुलर भी होते हैं, इररेगुलर भी होते हैं। पीटर हैज स्टार्टेड डूइंग वर्क इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। पीटर ने अंग्रेजी के विषय में काम करना शुरू कर दिया है बड़ी हेजिटेशन के बाद। रिलक्टेंस क्या होती है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट के बाद। एंड फादर फॉन्डली, जिसे पिम कहा जाता है प्यार प्यार में, वांट्स टू हेल्प पीटर इन हिज डच लेसन। उसके डच लेसन्स में उसकी मदद करना चाहता है और एन भी उसकी मदद करना चाहती है, कि शर्त यह है कि वो भी उसकी मदद करे फ्रेंच में और सम अदर सब्जेक्ट्स किसी और विषयों में भी। एन इज ऑल्सो रेडी टू हेल्प हिम इन हिज लेसन्स इफ ही ऑल्सो डज सो इन फ्रेंच एंड सम अदर सब्जेक्ट्स। शी ऑल्सो लिसन्स टू द डच ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन। लंदन रेडियो स्टेशन, लंदन से वो डच ब्रॉडकास्ट भी सुनती है, प्रोग्राम सुनती है जो डच भाषा में होते हैं, ताकि उसकी डच लैंग्वेज और बढ़े, अच्छी हो। नो वन ऑफ हर फैमिली अंडरस्टैंड्स एस वाई एंड टेक सो मच इंटरेस्ट इन द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के बारे में भी वो कुछ प्रोग्राम देखती है तो परिवार वाले हैरान होते हैं इस बात को सुन देख कर कि इसे रॉयल फैमिली में इतनी दिलचस्पी क्यों है। After that we come to know that she is not allowed to read certain books. इसके पश्चात हमें पता लगता है इस एंट्री के द्वारा कि एन को कुछ पुस्तकें पढ़ने नहीं दी जाती, जबकि उसकी बहन मार्गरेट इज अलाउड टू डू सो, उसे ऐसा करने दिया जाता है। एन वाज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द फैमिली, और एन सामान्य तौर पे विषय, उस डिस्कशन जो भी चल रही होती एन के बारे में चल रही होती है। शी वॉज कॉल्ड इग्नोरेमस। इग्नोरेमस क्या होता है, एक्सट्रीमली इग्नोरेंट पर्सन, जो जिस अनभिज्ञ हो, जिसे बहुत सी बातें ना आती हो, तो उसे इग्नोरेमस कहा जाता है। इट वॉज ऑल्सो डिस्कस दैट शी वॉज हार्डली अलाउड टू रीड एंड थिंक। और ये भी डिस्कस किया जाता है, बात औरों के सामने बात करना है उनको पसंद नहीं है हालांकि ये बात, और उसके बारे में बात ये की जाती है कि इसको पुस्तकें नहीं पढ़ने दी जाती, बहुत सी कोई किताब ऐसे पढ़ने दी जाती है। आफ्टर दैट एंड इग्नोरेंस ऑफ फिलोसफी साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इज ऑल्सो डिस्कस। तो ये 3 विषयों के बारे में उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये भी डिस्कस किया जाता है। शी चेक्ड आउट ऑल दोज बिग वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, और एम मानती है आगे अगली स्लाइड में वो कहती है कि वाकई मुझे इन सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं था, और तभी उन्होंने इन शब्दों को डिक्शनरी में चेक किया। शी एडमिट्स दैट एट द टाइम शी डिडंट नो अबाउट ऑल दो सब्जेक्ट्स। द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन वाज शॉकिंग फॉर ऑल। और उसके लिए जो निष्कर्ष था इस डिस्कशन का, काफी शॉकिंग था। इट वाज सेड दैट एन हैड ओनली वन लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस, की एक ही लंबी स्लीवलेस ड्रेस है उस पे, और 3 कार्डिगन है सर्दियों में पहनने के। सम ऑफ देयर क्लोज वर शिफ्टेड टू देयर फ्रेंड्स फॉर सेफ कीपिंग, और बहुत से इनके कपड़े, कुछ कपड़े मेन मेन इन्होंने रख लिए थे, बाकी इन्होंने शिफ्ट कर दिए थे अपने फ्रेंड्स के घरों में, ताकि वहाँ सुरक्षित रहें। इन्हें हाइडिंग में जाना था या कुछ भी, वॉर के बाद, युद्ध के बाद वो ले लेंगे। और अंतिम बात, वी कम टू नो फ्रॉम दिस एंट्री दैट मिस वांडन व्हेन एन फिनिश्ड राइटिंग अबाउट हर, और एन अपनी डायरी लिख रही थी तो वॉन डॉन वहाँ से गुजरती है, रुकती है तो उसे वो बुलाती है, हेलो हाय करती है, एंड एकदम डायरी को बंद कर लेती है और वो उत्सुकता दिखाती है पढ़ने के लिए, और कन्वर्सेशन है ये, ए मिसेज वॉन डॉन, वो बुलाती है उसे और वॉन डॉन कहती है जस्ट द लास्ट पेज, देन आखिरी पेज दिखा दो। वो कहती है नॉट इवन द लास्ट पेज, बिल्कुल नहीं वॉन डॉन, नहीं बिल्कुल नहीं। कारण क्या था, डिडंट वॉन्ट टू शो टू दैट पेज टू हर बिकॉज इट कंटेन सम क्रिटिकल रिमार्क्स अबाउट हर, क्योंकि एन ने उसमें आलोचना की थी मिसेज वॉन्डन की, इसलिए वो दिखाना नहीं चाह रही थी।
फ्राइडे सितंबर 25 की एंट्री है और वी कम टू नो अबाउट एन्स फादर्स फ्रेंड, एन के फादर के जो एक फ्रेंड थे उसकी बात है इसमें। हु इज इन हिज मिड 70s, 75 साल की उम्र है। हिज नेम इज मिस्टर ड्रेहर, ड्रेहर नाम है, बीमार है, गरीब है और बिल्कुल बहरा टाइप का व्यक्ति है। ऐसी ही उसकी पत्नी है, 27 वर्ष छोटी है इससे। हिज वाइफ इज 27 ईयर्स यंगर देन ही एंड शी इज इक्वली पुअर, वो भी गरीब है। हर आर्म्स एंड लेग्स आर लोडेड विद रियल एंड फॉल्स ब्रेसलेट एंड परंतु उसकी बाजुओं पे, उसकी टांगों पे ब्रेसलेट और रिंग्स लदे पड़े, हो सकता है रियल हो सकता है फॉल्स हो, विच शी हैज कैप्ट सो फार एज द प्रूफ ऑफ हर प्रॉस्परस डेज। अपनी खुशहाली के दिनों का शायद उसके पास ये बचा हुआ सबूत था दिखाने के लिए, हम भी अमीर हुआ करते थे। मिस्टर ड्रेहर हैज प्रूव्ड ए ग्रेट न्यूसेंस फॉर एन्स फादर, एन के फादर के लिए वो एक बहुत बड़ी बीमारी साबित हुए, एक मुसीबत साबित हुए ये ड्रेहर। नाउ एन डिस्क्राइब्स दैट शी गोज टू द रूम ऑफ द वैंडन्स वैंडन्स फॉर लिटिल चैट। अब यहाँ एन हमें बताती हैं, डायरी एंट्री से ही हमें पता लगता है कि वो वैंडन्स से बातें करने भी जाती है और दे ईट मॉथ बॉल कुकीज, उस समय वो मॉथ बॉल कुकीज खाते हैं। दीज आर बिस्किट्स, ये बिस्कुट होते हैं जिनको क्लोजेट में स्टोर किया जाता है, मॉथ प्रूफ क्लोजेट होता है, बॉक्स हो सकता है जिसमें नमी ना जाए, जिससे कुछ मॉथ वगैरह क्रिएट ना हो। और ये वीडियो लेक्चर 11 हमारा एंड अप हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके मैं शीघ्र आऊँगा, तब तक अलविदा, थैंक यू।